हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अब्राहम टेक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो। आप देख सकते हैं एक हमारे पास वाफल मेकर मशीन है जेम पोसनर का। ये देखिए, ये क्लाइंट का है। तो इसमें यह प्रॉब्लम है कि जो भी टेम्परेचर यहाँ पे सेट किया जाता है, आप देख सकते हैं ये पावर ऑन ऑफ का है, टेम्परेचर हाई लो, फिर ये टाइमिंग एडजस्ट, फिर स्टार्ट। तो जैसे इसमें सेट किया जाता है 80 और 180, 200, तो यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, वो 200 से भी क्रॉस जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देखेंगे, उसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देखते हैं क्या सचमुच में ऐसा हो रहा है। तो इसे हम पावर ऑन करते हैं। मैंने स्विच ऑन कर दिया, यहाँ पे आप ऑन कर दीजिए, उसके बाद आप इसे ऑन कर दीजिए। चलिए हम इसे सेट कर देते हैं। इसे एरो मार्क अपोला से हम इसे 50 में डाल देते हैं। ये देखिए 50 हो गया है। चलिए इसे भी ओपन कर देते हैं, दोनों हीट हो रहा है कि नहीं पता चलेगा क्या इश्यू है। तो अभी 28 है, तब तक चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, 50 आने देते हैं। फ्रेंड अभी 36 हो गया, 37। ये भी हीट हो रहा है। सो जैसे कि यहाँ पे जो हमने 50 का एडजस्ट किया है टेम्परेचर, वो जैसे 50 हो जाएगा देन यहाँ पे ग्रीन लाइट यहाँ पे ब्लिंक होगा और 50 से वो आगे नहीं जाना है। मे बी 2-3 पॉइंट आगे जा सकता है, बट उससे लाइक 60 और 65 ऐसा नहीं जाना है। अगर वैसा जा रहा है तो बोर्ड में इशू है। और बेसिकली इस तरह से होने से बोर्ड में एक इशू होता है और ट्रांस आईसी का होता है, तो उसे हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ सकता है। तो चलिए अभी 45 हो गया, देखते हैं क्या ये कैसा इसका बिहेवियर है, स्टॉप होता है कि नहीं होता है। 47 हो गया। सो फ्रेंड्स, जो अभी तक हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये देखिए 50 हो गया, देन यहाँ पे ये ग्रीन लाइट आ गया। अभी ये देखिए 51 हो गया। मैं भी लाइक 55 तक जाएगा, कोई इशू नहीं। 5-6 पॉइंट अगर आगे पीछे भी होता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन ये क्या होगा लाइक 60, 70, 80, 90, 100 करते ऐसा बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो बोर्ड का इशू है, वो आईसी का प्रॉब्लम होता है, तो उसे हमें चेंज करना होगा। सो आप देख सकते हैं ये 55 पहुंच गया, 56, जबकि ऐसा नहीं होना है, ये 50 में ही स्टॉप हो जाना है, ये पॉइंट आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये बोर्ड का इशू है। तो चलिए हम लोग इसे ओपन करना पड़ेगा बोर्ड को, तो उसके लिए अभी हमें इसे ऑफ करना होगा। ये कंटिन्यूसली आगे जा रहा है, अब देख सकते हो 60 पहुंच गए। तो चलिए हम इसे ऑफ करते हैं और इसका हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं, इसे भी हम ऑफ कर देते हैं यहाँ से, और इसमें से हम बोर्ड को बाहर निकालेंगे। हमें यहाँ पे बोर्ड है, तो इस कवर को हमें पहले ओपन करना होगा। इस कवर को यहाँ पे दो स्क्रू मिलेंगे, एक इधर, एक इधर, और एक डाउन में भी होता है यहाँ पर। आप देख सकते हैं जेम पोसनर वाफल मेकर, इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, इसका पावर कितना चाहिए, कितना वोल्ट चाहिए, और सब कुछ दिया गया। तो चलिए पहले हम इसे ओपन करते हैं। आप इसको ड्राइवर के सहायता से इसे आप ओपन कर लीजिए। दोनों स्क्रू हमने ओपन कर दिया, उसके बाद आप इस कवर को आप बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे आपका बोर्ड है। तो इसमें भी स्क्रू लगे होते हैं, यहाँ पे 5 स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3, ये चारों कॉर्नर में इस तरह से। तो चलिए हम इसे भी जल्दी से रिमूव करते हैं बोर्ड, उसके बाद आपको दिखाते हैं। फ्रेंड मैंने चारों स्क्रू निकाल दिए, ये रिमाइनिंग है। चलिए हम न्यूमेरिकल केबल को हम निकाल देते हैं और ये सारे कनेक्शन आप निकाल लीजिए।
सो फ्रेंड, अभी हमें इन दोनों मॉस्फेट को, आईसी को हमें निकालना होगा। आप मार्केट से इस तरह से परचेस कर सकते हैं। तो दो निकालेंगे तो दो अभी हमें नए वाले इसमें डालने होंगे। और ये काफ़ी पुराना मदरबोर्ड है, देखिए एक दो बार रिपेयरिंग भी किया गया है। यहाँ बर्न हो गया था जिसकी वजह से यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया गया है। तो चलिए, हम लोग इसे गर्म हो रहा है तो इसमें से दो निकाल लेते हैं हम लोग और इसमें यूज करेंगे। जी गर्म हो गया है। तो आप इस तरह से पलटा दीजिए इसे निकालने के लिए। उससे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों स्क्रू को हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसे हमें क्या करना है, इस तरह से स्ट्रेट खड़े करने हैं जिससे इजीली आप निकाल सकते हो। तो इसे हमें ओपन करना होगा इन दोनों को। सो आइए हम इसे ओपन करते हैं। आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इससे दोनों को आप ओपन कर लीजिए। सेव। इधर आप देख सकते हैं ये स्क्रू है। तो थोड़ा सा हाथ इस तरह लगाइए और इस एंड को आप इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप ओपन कीजिए। इस तरह पुंगली से आप इसे दबा के रखिए ताकि ये पूरा ना घूमने पाए, तो ओपन नहीं होगा। ओपन हो गया है। फिर भी आप इसी तरह से कीजिए दूसरे वाली को भी। ये ओपन हो गई। अभी हमें करना क्या है, इन दोनों को सीधा करना है। तो एक स्क्रू के द्वारा आप इसे इस तरह सीधा कर लीजिए। इसे थोड़ी देर के बाहर, वो इसीलिए ऐसा करना है क्योंकि जैसे हम इधर हीट करेंगे अभी तो इसे इस तरह से पुल आउट करने के लिए खींच के आप इजीली निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लीड और इसे आप गर्म कीजिए और इसे आप ओपन करना शुरू कर दीजिए। दोनों जगह, चारों जगह आप इस तरह से इसे भरिए। थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं। फ्रेंड, फाइनली दोनों हमने निकाल दिए। ये देखिए दोनों रिमूव हो गया है। तो थोड़ा सा इसे क्लीन करना है यहाँ पे, इसके बाद में हमें नया वाला डालना है। थोड़ा इसकी मदद से यहाँ होल्स वगैरह ब्लॉक हो गए हैं। तो आप इस तरह करके यहाँ पे होल को क्लीन करें और नए के लिए आप रास्ता बनाएं। फाइनली हमने इससे निकाल दिया दोनों रेसिस्टर। अब यहाँ पे एक डालना है और एक तरफ, एक इस तरफ आप देख सकते हैं। आप इस तरह सोल्डरिंग आयरन के द्वारा आप इसे निकाल लें और ये जो होल्स हैं आप इसे अच्छी तरह से क्लीन कर लें इस सोल्डरिंग आयरन के द्वारा। यहाँ पे आप इस तरह रखिए और कोई नुकीली चीज़ से हल्का हल्का ऐसा करके आप थोड़े से होल को क्लियर करें। तो ये रहे ये नया ट्रांसिस्टर आईसी मॉस्फेट BTA126008JKL। तो आइए हम लोग इसे डालते हैं। इस तरह पुराने वाले को रिमूव करने के बाद में आप नए वाले को यहाँ पे डालिए। ये तीनों गैप में अच्छी तरह से जाना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा इस तरह प्रेस कर दीजिए।
उसी तरह दूसरे एंगल में भी आप इस गैप में अच्छी तरह से इसे आप जाने दीजिए और इस तरह से आप प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद में जो हमने इसका ये रिमूव किया था इसे हम यहाँ पे डालेंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके दोनों जो स्क्रू हमने निकाले हैं ये स्क्रू इसे हम फिक्स करेंगे। सो फ्रेंड नए मॉस्फेट डालने के बाद में आप इसे एडजस्ट करके उस अनुसार से आप ऐसे दबा दीजिए ताकि दोनों ये होल के अंतर्गत में आने पाए। यहाँ पे इस तरह से हमारा स्क्रू फिक्स होने पर तो चलिए हम इसे इस तरफ से डाल के हमें फिक्स करना है। इसे आप इसे एक तरफ अंगुली से ऐसा दबा के दूसरे छोर से हम इसे डालेंगे और इसे हम फिक्स करेंगे। इसका आपको कॉर्नर ये सब अच्छा से देखना है। ये आ गया है इस तरफ में। चलिए एक आ गया है आप देख सकते हो। चलिए हम इसे भी फिक्स करते हैं। इस वाले को भी थोड़ा सा आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिएगा दिख रहा हो। इस तरह से आप इसे सेट करने के बाद में अब दूसरे छोर से इस छोर में आप इसे डालिए। यहाँ पे स्क्रू को इधर से अब हमें रिमेनिंग ये छोटे स्क्रू हैं इसके से आप यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए से भी। फिर दूसरे वाले को भी हम करेंगे। इस तरह से ऊपर थोड़ा टाइट कर दीजिए। एक निकल गया है इसको भी हम इधर में टाइट कर देते हैं अच्छे से। ये हमने इसे स्क्रू डाल दिया है टाइट कर दिया है। ये पुराने वाले इधर में है। चलिए अब इसे हम सोल्डरिंग कर देना है। इसे ये जो इतना इधर रिमाइनिंग निकला है आप इसे क्या कर दीजिए कट कर दीजिए। आपके पास कटिंग क्लियर होगा तो उससे पहले हम इसे सोल्डरिंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इधर निकल गया है तो इसलिए हम हल्का सा दोनों को कट कर देते हैं। कटिंग प्लेयर से इसको अपना हिसाब से अपना साइज के अनुसार से आप इसे कट कर दीजिए। इस तरफ को भी हो गया। चलिए अब हम इसे सोल्डरिंग करते हैं। फ्रेंड फाइनली हमने सोल्डरिंग कर दिया है। यहाँ पे गैप था इसलिए मैं ऐसा सोल्डरिंग कर दिया हूँ। देखिए नया डाला हुआ है। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं इसे हम कनेक्ट करके देखते हैं वर्क हो रहा है कि नहीं। सो फ्रेंड्स मैंने इसे वापस कनेक्ट कर दिया है। चलिए इसे वापस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अभी केवल एक ही स्क्रू डाल के हम लोग चेक करते हैं। ये मिडिल वाला केवल डाल के हम लोग इसे फिक्स करते हैं फिर चेक करके देखते हैं वर्क हो रहा है कि नहीं। हमने डाल दिया है। चलिए न्यूमेरिकल कीपैड इससे भी हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये कनेक्ट हो गए। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसे हम पावर कनेक्शन डाल करके। इस पावर कनेक्शन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। नीचे पे है इसका सॉकेट हो गया। अब इस एंड को आप स्विच बोर्ड में डालें। कनेक्ट कर दिया। ये इसे ऑन करते हैं। वहाँ ऑन हो गया। यहाँ भी ऑन कर दीजिए। फिर इसे हम 50 में ही रखते हैं। सॉरी माइनस हो रहा है। चलिए 50 हो गए। फिर हम लोग देखेंगे स्टॉप होता है कि नहीं।
थोड़ा तब तक वीडियो को हम पॉज करते हैं, सिर्फ 50 पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। सो अभी 42 हो गया है, ये देखेंगे हम लोग क्या रिजल्ट आता है इसका। 43, 48 हो गए हैं। फिफ्टी ग्रीन लाइट आ गया है, 51, 51 ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 तक यहाँ न्यूमेरिकल जो आपका आगे जाएगा।